कैसे हैं सभी? आप लोगों को देख के ना अपना थोड़ा थोड़ा बचपन याद आ गया है ना, हम भी स्कूल में थे जिस टाइम पे। चलो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं अभी सब इंस्पेक्टर सन्नी बुधिराजा, BSF सीमा सुरक्षा बल, जानते हैं सभी? हाँ, उसमें हूँ मैं अभी। और मैं जब BSF में भर्ती हुआ तो मैं एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर गया था, नेशनल लेवल का पहले से हैंडबॉल का प्लेयर था। उसके बाद प्लस टू में पढ़ रहा था और तभी मैंने BSF में एज ए कॉन्स्टेबल BSF को ज्वाइन कर लिया। कौन से कोटे में? खिलाड़ी कोटे में, नेशनल प्लेयर था। तो उसके बाद BSF के लिए खेलते रहे, हरियाणा को भी रिप्रेजेंट किया, कई बार इंडिया टीम के कैंप के लिए भी सिलेक्ट हुए और BSF को रिप्रेजेंट किया, हरियाणा को किया, चंडीगढ़ को किया, नेशनल लेवल की टूर्नामेंट खेलते रहे। फिर बताया कि किसी ने कि आप ग्रेजुएशन करके सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, किसके साथ बन सकते हैं? एजुकेशन के साथ, है ना। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके पीछे मेरा एम है कि स्पोर्ट्स का और एजुकेशन का जो मेल है वो कैसे है, है ना। स्पोर्ट्स के साथ, स्पोर्ट्स ने क्या दे दिया? BSF में जॉब दे दी। और एजुकेशन ने क्या दे दिया? BSF के अंदर एक रैंक दे दिया, ओहदा दे दिया। तो मैंने ग्रेजुएशन की, फिर एग्जाम की तैयारी की, साथ साथ सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे और सेल्फ स्टडी करते थे, देर रात तक कोचिंग भी ली, देर रात तक पढ़ना, अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर से पढ़ना और फिर सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम देके उसमें सेलेक्ट हो गए, सब इंस्पेक्टर बन गए। ट्रेनिंग की दोबारा से, पहले कांस्टेबल की रैंक की ट्रेनिंग की BSF के अंदर, फिर सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद फिर से स्पोर्ट्स में आ गए। फिर स्पोर्ट्स में अब 34 ईयर्स ओल्ड हो गए थे तो सोचा डिप्लोमा कर ले जिससे हम कोच बन जाए, है ना। तो मैंने डिपार्टमेंट से एक साल की स्टडी लीव ली और फिर एक NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है पटियाला में, जानते हैं कोई? पटियाला में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं ना हमारे एथलेटिक्स के, नीरज चोपड़ा हैं या वेट लिफ्टिंग के चानू हैं, है ना, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो सभी पटियाला के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं अपनी। तो वहीं पे हमने एक साल का डिप्लोमा किया कोच बनने के लिए। डिप्लोमा करने के बाद दो साल मैंने फिर BSF के लिए जनरल ड्यूटी की, मणिपुर में, थोड़े से समय के लिए पंजाब में और फिर काफ़ी सारी 5 IS ड्यूटी की, बिहार में, बंगाल में इलेक्शन करवाए, पंजाब में इलेक्शन करवाए, दिल्ली में 15 अगस्त पे सिक्योरिटी की ड्यूटी की कुछ। उसके बाद अभी मैं जो अपॉइंट हूँ चंडीगढ़ में एज ए कोच हूँ, मतलब कि मेरे अंडर मेरी टीम है, BSF की जो मेन टीम है ना हैंडबॉल की, मैं उसका भी एज ए कोच हूँ, ठीक है। और आज यहाँ पे हम शहीद भगत सिंह जी के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं, आप लोग भी तभी ये फंक्शन कर रहे हैं। तो कोई बताएगा इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? एनीवन प्लीज, बैठे बैठे बता दो, बताओ। नहीं, ये तो इनकी पुण्यतिथि थी, इनका बर्थ कब हुआ था किसी को नहीं पता? 1907 28 सितंबर, आई थिंक, है ना, 28 सितंबर 1907 में इनका बर्थ हुआ था और 23 मार्च 1931 को ये शहीद हो गए थे, मात्र 23 साल की उम्र में, है ना। अच्छा, हम जब सुनते हैं भगत सिंह का नाम तो सबके मन में क्या ख्याल आता है? कुछ एक पिक्चर बनती है ना, किसी के लिए भी एक मन में पिक्चर बनती है हमारे। जैसे कि हम किसी पॉलिटिशियन को, मोदी जी को ले लेंगे मन में, तो हमारे मन में क्या पिक्चर बनेगी कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं? वैसी तो पिक्चर बनेगी ना किसी। अब मेरे को देख के आपके मन में क्या पिक्चर बन रही है कि ये तो फौजी है, गोलियां चलाते होंगे, ये सब, ये चीज पिक्चर बनती है ना। किसी एडवोकेट को देख के क्या पिक्चर बनती है? तो हरेक कोई फिल्म के अंदर हीरो को देखो अलग पिक्चर बनेगी और विलन को देख के अलग पिक्चर बनेगी, है ना। तो ऐसे ही भगत सिंह जी को देख के आपके लोगों के मन में क्या पिक्चर बनती है? कैसे कैसे व्यक्तित्व था उनका, बताएगा कोई? देखो, गांधी जी को देख के क्या बनती है कि वो अहिंसावादी थे, है ना, कि वो शांत रह के वो इस देश के अंदर, इस देश को आजाद करवाना चाहते थे बिना किसी से लड़े, ये है ना गांधी जी की। ऐसे ही भगत सिंह जी के बारे में हम कोई भी सोचेगा वो मूंछों पे ताव देते थे या वो तो पिस्तौल के दम पे उन्होंने आजादी लेनी चाही, है ना, ये सोचते हैं हम भगत सिंह जी के बारे में, पर ऐसा नहीं है।
वो भी बड़े ही एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पर्सन थे, उनका जो शौक था ना बुक्स रीड करना था, किताबें पढ़ना उनका शौक था। जब वो जेल में गए ना, उससे पहले पहले उन्होंने 250 किताबें पढ़ दी थी, और जेल में वो 2 वर्ष तक रहे मेरे ख्याल, लगभग 300 किताबें पढ़ दी उन्होंने। किसी को पता था इस बारे में कि उनका शौक किताबें पढ़ना था भगत सिंह के बारे में? नहीं पता था ना। देखो कई चीजें होती है हमें नहीं पता होती है, यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे बुक्स पढ़ने में उन्होंने, और वो उससे अच्छा राइटर भी थे। उन्होंने काफी सारे उनके आर्टिकल्स भी हैं अलग अलग मैगजीन्स में, उस टाइम की कुछ मैगजीन थी अकाली, कुछ मैगजीन थी, मेरे नाम याद नहीं है सभी, 3-4 मैगजीन्स थी, उनके अंदर भी उनके आर्टिकल्स थे। फिर कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, कलकत्ता की एक थी उसके अंदर भी उनका था, और फिर फॉरेन के अंदर भी उनकी कई जो मैगजीन्स थी उसके अंदर भी उनके आर्टिकल छपे थे, विश्व प्यार के ऊपर लेके जो अच्छा। फिर उनका व्यक्तित्व जो था उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा, कि वो सोशलिज्म भी थे, एथिज्म भी थे, इंटरनेशनलिज्म भी थे। मतलब इन सबसे क्या था कि इंटरनेशनलिज्म की वो चाहते थे कि पूरा विश्व एक हो, है ना। कैसे एक हो? जैसे कि उस टाइम पे हम इंग्लैंड के अधीन थे, इंग्लैंड हमारे ऊपर राज कर रहा था, हम उनके नीचे, हम गुलाम थे उनके, है ना। तो उनका उनकी क्या सोच थी, उनके क्या विचार थे कि एक दिन ऐसा आए कि इंग्लैंड भी हो और इंडिया भी हो, लेकिन इंडिया इंग्लैंड का गुलाम ना हो। उस टाइम पे दुश्मन थे जर्मन और फ्रांस, पता है किसी को? सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई, जर्मन और फ्रांस भी, पहली विश्व युद्ध में जर्मन और फ्रांस भी आपस में एक दूसरे के विरोध थे। वो क्या चाहते थे कि जर्मन और फ्रांस भी एक दिन दोनों देश हों और आपस में ट्रेड करें, ट्रेड इन द सेंस कि बिजनेस करें, हमारा सामान उनका सामान जर्मन का फ्रांस के पास आए, फ्रांस वालों का जर्मन के पास आए, तो ऐसे ट्रेड करें, उनकी ये सोच थी। जापान के ऊपर किसने बम फेंके थे? तो दुश्मन देश थे वो भी उस टाइम पे, उनकी ये भी सोच थी कि ये भी एक मित्र देश हो। तो आज लगभग उनकी सारी सोच पूरी है, हम इंडिया भी है इंग्लैंड भी है, लेकिन इंडिया गुलाम नहीं है इंग्लैंड का, जर्मन और फ्रांस आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, और अमेरिका जापान की ठीक है दोस्ती भी है अभी, वो माहौल नहीं रहा पहले जैसा। तो अच्छा, उनके ऊपर एक और था कि वो सोशलिज्म थे, और जो एक बुक आई उसके अंदर था कि दो नेताओं के बारे में दिया गया था, एक सुभाष चंद्र जी बोस और एक थे दूसरे नेहरू जी, है ना, दो नेताजी थे। उनके बारे में भी उनके अलग अलग विचार थे, उनके लिए वो बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए वो बोलते थे कि एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि भारत को एक जो पहले भारत होता था सोने की चिड़िया उस रूप में देखना चाहते हैं, ऐसे ही नेहरू जी के लिए उनके अलग विचार थे। बच्चे ना ऐसी बातों में बोर हो जाते हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा लगा मेरे को, आखिरी शब्द में यही कहूंगा कि मुझे यहाँ ले आके ना बड़ा, और ये बच्चों ने जो एक दो बच्चियों ने जो अच्छा सा वो किया, रामायण का पाठ सुनाया है ना, मतलब उसको डिस्क्राइब कर दिया, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। अगर कोई ध्यान से सुनोगे ना, बहुत सारे कम शब्द हैं और बहुत सारी बातें कह दी। सर बता रहे थे कि बहुत ही कम तैयारी है, ये और अच्छी तैयारी करेंगे तो यूट्यूब पे जब इनका आएगा ना, और इतनी बढ़िया वॉयस, इतनी बढ़िया, एक ये गुड़िया थी एक शायद ये थे ना, इनका जो आपस में कोलैबोरेशन था और जो आपस में कोऑर्डिनेशन था, बड़ा ही मजा आ गया मतलब सुन के, है ना। इनके लिए क्या करेंगे, और इस बच्चे की एक्टिंग, तो दो बच्चे थे इन्होंने भी मेरे आंखों में आंसू ला दिए, मुझे लग रहा था कि मैं ही चला गया हूँ पिज्जा लेके और मेरा बेटा खड़ा है सामने है ना, तो ये भी बड़ी अच्छी, इन्होंने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की। चलो मनोज सर, मनोज सर मैं